अच्छा, जैसा कि लोग बोलते हैं कि इसके अंदर सब्सिडी मिलता है, क्या सब्सिडी का प्रोसेस है, कैसे वो मिल पाता है? सर इसमें आपको 30 से 35% का सब्सिडी मिलता है जी, जिसकी प्रोसेस आप बैंक के थ्रू करवा सकते हैं। अच्छा जी, मतलब एमएसएमई के थ्रू अगर कोई लोन लेता है तो उसको ये मिलता है। तो दोस्तों ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का सबसे अच्छा फंडा आज की डेट में ये है, जिस इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है उसको सब्सिडी दो और जिस इंडस्ट्री को बंद करना है उसके ऊपर ज्यादा ज्यादा रूल्स रेगुलेशन लगा दो। अब आपको मैं बताऊं रेड ब्रिक्स की बात करूं, इतने ज्यादा नॉर्म्स हैं, इतने ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन गवर्नमेंट लगाते जा रही है क्योंकि उस इंडस्ट्री को धीरे धीरे करके बैन करना है। इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है तो इसके अंदर गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है और सारे चीजें आपको फैसिलिटीज देने की कोशिश कर रही है। जैसा कि फ्लाई एश की बात करें वो भी काफी कम रेट में इसलिए मिल रहा है आपको क्योंकि इस इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है, पॉल्यूशन नहीं होता इस इंडस्ट्रीज को लगाने के बाद। गवर्नमेंट बहुत अच्छे से जान रही है ये भविष्य का बिजनेस है। आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स है उस सबके अंदर आपको यही चीज मिलेगा और इंडिविजुअल भी अब लोग इसको अपने घरों में भी लगा रहे हैं। तो भविष्य में अगर पैसे कमाना है तो इस वीडियो को पूरा देख के जाना है। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पीके सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों इस नए वीडियो में। और इस दोस्तों नए वीडियो में हम पहुंच गए हैं इंदौर और इंदौर में पहुंचे हैं मैक मशीन इंजीनियरिंग वर्क्स में। हमारे साथ होंगे पंडित जी होंगे और पंडित जी पूरा डिटेल में बताएंगे कि आखिर इनकी कंपनी क्या बनाती है और आपको भविष्य वाला कौन सा व्यापार मिलने वाला है जिससे कि आप अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे और कैसे कैसे आप इनकी कंपनी से इनके सामान को लेके अपना बिजनेस स्टार्टअप करेंगे। सर सबसे पहले स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। नमस्कार सर, आपके बहुत बहुत स्वागत है। मेक मशीन इंजीनियरिंग वर्क हमारा मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें हम प्लाईस, ब्रिक मेकिंग मशीन, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक सभी हाइड्रोलिक मशीनें बनाते हैं जी। इसमें आपको पेवर सब ब्लॉक के लिए हमारे पास वाइब्रेटिंग टेबल वगैरह भी मिल जाएगी जी। पेवर सब ब्लॉक में हम हाइड्रोलिक मशीनें भी बनाते हैं जिसमें आप पेवर ब्लॉक आराम से निकाल सकते हैं। फ्लाई एश ब्रिक मशीन में हमारे पास 2000 से लेके 30,000 तक की प्रोडक्शन तक की मशीनें के हम मैन्युफैक्चरर हैं जी, जिसमें आपको सभी मशीनें हाइड्रोलिक वाली मिलेगी जी। जैसे आपका बजट कम है तो आप 5 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं जी। जिसमें हमारे पास मैनुअल हाइड्रोलिक मशीन है जी, जो आपको 5 लाख से स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे आप जैसे ऑटोमेटिक में बढ़ते हैं तो उसका प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, सेमी ऑटोमेटिक में जाते हैं उसका प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, मैनुअल हाइड्रोलिक का प्रोडक्शन उससे और थोड़ा कम हो जाता है। रिक्वायरमेंट आपके ऊपर है कि आपको कितना प्रोडक्शन करना है। बाय चांस अगर आपको 10,000 तक का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए आपको हमारी 6 ब्रिक का ऑटोमेटिक मशीन बहुत बढ़िया सफिशियंट रहेगा जिसमें आपको पूरा सेटअप दिया जाएगा। जैसे पूरा सेटअप दिया जाएगा जैसा आपने बताया है, तो आप लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या कहीं से ट्रेडिंग करते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं इसके, जिसमें हम पावर पे, कंट्रोल पैनल और मशीन वगैरह सारी चीज हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चर होती है। मैं आपको वो भी आपको विजिट कराता हूँ। ये हमारा बोर्ड लगा हुआ है इंडस्ट्रियल एरिया में, इस एड्रेस पे आप आ सकते हैं। बाकी और मैं आपको मेरा मशीन डेमो के हिसाब से दिखा देता हूँ और जो वर्किंग चल रहा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, मैं पूछूं कि ये जो है इंदौर में किस एरिया में है ये आपका? सर ये हमारा सांवे रोड इंडस्ट्रियल एरिया में है, जिसमें सेक्टर है सांवे रोड इंडस्ट्रियल एरिया नियर पार्ले जी फैक्ट्री अपोजिट होरा वायर। अच्छा, इतना तो नहीं समझेंगे, अगर लोग कोई आ जाता है आपकी इंडस्ट्री में आना चाहता है, रेलवे स्टेशन से उतरेगा तो उसके लिए क्या सुविधा होगी, कैसे वो आ पाएगा? सर रेलवे स्टेशन से आप सिर्फ हमारा 5 किलोमीटर की दूरी पर है जी, जिससे आप या तो हमें ऑनलाइन कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेक मशीन इंजीनियरिंग वर्क आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिख जाएंगे, उससे आप कॉल करेगा या तो हम आपको लेने आ जाएंगे या फिर आप आराम से वहाँ से आ सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे इनके पास पहुँचने का तरीका है, चलिए चलते हैं अंदर। अच्छा, वर्कशॉप बंद क्यों कर रखा है आपने? नहीं सर ये वो बंद नहीं करा है, इसको आगे आपको खोल कर दिखा देते हैं। अच्छा, बोर्ड दिखाने के लिए, चलिए ठीक है। तो दोस्तों देखिए अब हम आ गए इनके वर्कशॉप में, देखते हैं पूरा डिटेल में इनका वर्कशॉप क्या है, क्या क्या बनाते हैं। हाँ सर बताइए। जैसे हमारा एक 6 ब्रिक वाला मशीन डेमो के लिए हमने रखा है, ये करीब जाने वाला है झारखंड, झारखंड में बोकारो सिटी, वहाँ पर डिस्पैच होगा ये। अच्छा, 4 से 5 दिन में डिस्पैच हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं अपने पड़ोस झारखंड में ही जा रहा है, चलिए अभी बताइए। इसमें आपको हेवी क्वालिटी मशीन हम बना रहे हैं, इसमें आपको एक बार में 6 ईटा निकाल रही है, इसमें साइज लगा हुआ है 9-4-3 का। इसी में अगर आप कभी बिहार का साइज लगवाते हैं तो इसमें आपको 10-5-3 का साइज लगता है, जो बिहार साइज में सफिशियंट रहता है। इसका प्रोडक्शन आपको आराम से 9 से 10 हजार का पर डे 8 घंटे की एक शिफ्ट में निकाल देगा। अच्छा, इसी में आप देख सकते हैं, इसे हमारा जो सिलेंडर है बहुत हेवी सिलेंडर हम यूज करते हैं और ऑटोमेटिक है पूरा मशीन, जिसके लिए हमारा कंट्रोल पैनल हुआ, आप इसमें सेट कर सकते हैं एक बार ऑटोमेटिक के लिए जी। तो इसमें आप ऑटोमेटिक चलाने के लिए आप एक बार सेट कर दीजिएगा, फिर उसके बाद मशीन ऑटोमेटिक अपना वर्क करती रहेगी, वो भी मैं आपको चलता हुआ दिखाऊंगा अभी जी। तो थोड़ा सा डेमो दिखा दीजिए कि कैसे ऑटोमेटिक, क्या यहां से सेट करना पड़ेगा जी? आपको यहां से सेट करना है, जिसमें आपको काउंट भी हो जाएगा आपको कितना प्रोडक्शन हुआ है जी। दिन भर में आप उसके बाद मोर प्लस करते जाएंगे, नेक्स्ट डे उसका भी आपको टोटल दिखाएगा जी। तो उसी तरह आपको इसको चालू करना है, इमरजेंसी के लिए आपको इमरजेंसी दे रखा है जी, यही इमरजेंसी बटन जी। हाँ, आप इमरजेंसी दबाएंगे आपको मशीन वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएगी। अच्छा अच्छा, आपको मैं चलता हुआ प्लांट दिखाई देता हूँ।
देखिए आप, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है इनका ऑटोमेटिक सिस्टम आ गया। अब क्या होगा, इसमें आपका पेन मिक्सर के अंदर से माल आया जो कन्वेयर बेल्ट के सीधा अपने हॉपर के अंदर जाएगा, हॉपर के बाद में सीधा मशीन की तरफ हो जाएगा माल। ये देखिए आप, छह ईटा आराम से निकल के ऑटोमेटिक आ चुकी है बाहर। ये शिफ्टी में आपको आराम से 9 से 10 हजार का प्रोडक्शन देगी। कितने लेबर लगेंगे? लेबर सर ज्यादा से ज्यादा इसमें 5 से 6 लेबर बहुत ज्यादा हो जाएंगे। 5 लेबर आपको 4 या 5 लेबर आराम से काम करेंगे। अच्छा, जो आपको मटेरियल डालते रहेंगे पेन मिक्सर वगैरह में, उसके बाद में सारा काम ऑटोमेटिक होना है। तो दोस्तों आपको मैं दिखा दूं, ये देखिए यहाँ पर जो ईंट है इनका, ये तैयार होकर निकल रहा है और काफी खूबसूरत ईंट है। ये है एमपी का साइज, बिहार वालों के लिए 10-5 मिलेगा 3 का साइज जो है, जैसा चाहेंगे वैसा कस्टमाइज लेवल पे इनका कहना है कि मशीन बन जाएगा। ऐसा बन जाएगा के साइज के लिए आपको 9-4-3 है, जैसे 90-90-190 भी चलता है, और बिहार में आपको 10-5-3 का साइज सफिशिएंट तो वो मिल जाएगा ना बिल्कुल आराम से, आप इसी मशीन में लगवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे इनका, कि ये तो हो गया कि यहाँ पे निकल कैसे रहा है ईंट, लेकिन आगे हम ये देखना चाहेंगे कि पूरा ऑटोमेटिक जो सिस्टम आप बता रहे हैं कैसे कैसे चालू होता है, कहाँ से इसका मटेरियल बनेगा, कैसे कन्वेयर बेल्ट पे जाएगा और कैसे ईंट निकला है, बिल्कुल बैकवर्ड प्रोसेस को हम देखना चाहेंगे। लाइए मैं आपको पेन मिक्सर से स्टार्ट करता हूँ जी। तो दोस्तों देखिए वीडियो में बने रहिएगा। आप देखिए हम चल रहे हैं पेन मिक्सर पे कि कैसे यहाँ पे शुरू होता है काम। अब ये देखिए इनका पेन मिक्सर, 6 फीट का पेन मिक्सर मशीन के साथ दिया जा रहा है जी जी। इसमें आपको मटेरियल आपको 2 लेबर के हिसाब से आपको इसके अंदर डालना है, ठीक है। उसके बाद में इससे मिक्सिंग होने के बाद में इसमें भी आपको हेवी मोटर मिल जाएगी हमारे यहाँ पे जी 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 हाँ जी। 7.5 HP का मोटर लगेगा इसके अंदर, ठीक है जी हाँ। मोटर की भी आपको साल भर की गारंटी है, वारंटी नहीं, गारंटी में आपका अगर मशीन मोटर के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट या तो हमको कोरियर करिए या फिर आप ट्रांसपोर्ट किसी भी थ्रू से आप हमारे पास पहुंचाइए, हम आपको इसके बदले नई मोटर देने को रेडी है जी। माल यहाँ से रेडी हुआ, इसके बाद में सीधा कन्वेयर बेल्ट के थ्रू आपने हॉपर में माल जाता है, वहां से इसमें गिरेगा जी हाँ, ठीक है। इसमें गिरा, इसके थ्रू भी अपना मटेरियल जाएगा कन्वेयर बेल्ट सीधा हॉपर के अंदर, वहां जाने के बाद वो हॉपर में गिरेगा। हॉपर में गिरा, हॉपर के बाद में ऑटोमेटिक काम चालू हो जाता है जी जी हाँ। ये इसका पावर पैक है जो 10 HP मोटर के साथ आपको दिया जा रहा है। इसकी भी मोटर जो लगी हुई है गारंटी के साथ लगी हुई है। अच्छा। साल भर तक की आपको फुल गारंटी है मोटर की इसमें। अच्छा। ये पावर पैक है हमारा, 300 लीटर का इसमें बराबर ऑयल आता है जी जी हाँ। अच्छा, ये जो आपने जो एक बार स्टार्ट किया आपने जी, तो अभी हमने देखा कि मुझे लग रहा है कि 12 ईंट निकला है। अगर इसको सेट करना हो तो क्या बार बार एक आदमी यहाँ पे खड़ा होकर करेगा, कैसे? बिल्कुल नहीं, एक बार फर्स्ट टाइम आपको सेट करना है। ऑटोमेटिक चलाना है तो ऑटोमेटिक चला सकते हैं, इसको मैनुअली भी चला सकते हैं, सेमी भी चला सकते हैं। ऑटोमेटिक मशीन है, सफिशिएंट रहेगा, आप ऑटोमेटिक चलाएं। एक बार सेट किया आपने, स्टार्ट करा मशीन, अपना मटेरियल ऑटोमेटिक निकलता जाएगा। ब्रेक यहाँ से निकला, प्लेट के थ्रू आया रेलिंग के पास में, रेलिंग के बाद में आपको 2 हैंड ट्रॉली दी जाएगी जो मेरी कंप्लीट रखी हुई है यहाँ पे। अच्छा, ये हैंड ट्रॉली है जी हाँ। अच्छा, ये हैंड ट्रॉली के थ्रू आप माल शिफ्टिंग कर सकते हैं आराम से। अच्छा, वहां से निकलेगा और इसमें हैंड ट्रॉली बिल्कुल बिल्कुल जिस जगह भी, हाँ ऐसा नहीं कि आपको उठा के रखना करना है, आप इसी के ज्वाइंट लगा सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, माल आया सीधा इसके अंदर रखा और जहाँ पे आपको शिफ्ट करना वहाँ पे आराम से कर सकते हैं। ये सारा मैन्युफैक्चरिंग आपका खुद का है या? खुद का, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग। आई है, मैं आपको और भी मशीन अंडर प्रोसेस में चल रही है, जैसे हमारा एक 8 ब्रिक वाला मशीन का काम चल रहा है जी, उसमें डाई भी लगा हुआ है, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। दोस्तों देखिए हम आप देखते हैं इनका, अभी हमने देखा था 6 ब्रिक्स वाला, ये है 8 ब्रिक्स वाला, उसको भी देखने की हम कोशिश करते हैं जी हाँ। तो ये महाराष्ट्र जाने वाला है, गोंदिया महाराष्ट्र, जिसमें 8 ब्रिक का साइज लगा हुआ है जी जी हाँ। तो अच्छा। इसमें भी प्रोडक्शन उससे ज्यादा निकलता है, जैसे उसमें 9 से 10 हजार निकल रहा है, इसमें आराम से आपको 12 से 13 हजार का प्रोडक्शन एक दिन में आराम से मिल जाएगा। इसके साथ भी आपको 2 पेन मिक्सर हुआ, पावर बैंक, कंट्रोल पैनल, रेलिंग, पैलेट फीडर, सब कुछ दिया जाएगा। साल भर की मशीन की फुल वारंटी है आपको, मोटर की हमेशा गारंटी रहती है, सर्विस के लिए आपको किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सर्विस मिल जाएगा। सबसे बड़ा इस इंडस्ट्री में आने के बाद प्रॉब्लम ये लोगों को आता है कि सर्विस नहीं मिल पाता है। इसमें आपको एक प्लस पॉइंट ये हमारे साथ जुड़ने का, जैसे कि कोई कुछ लोग होते हैं जो कहीं और से मशीन लेके आते हैं, ठीक है, उसके बाद हमें फोन आता है कि साहब हम मशीन लेके आए, उनको सर्विस नहीं मिल पा रही है, हम उनको भी सर्विस दे देते हैं। इसीलिए जो हमसे जुड़े हुए उनको तो हमको देना ही देना है, बाकी हम जो अदरवाइज कोई हमसे जुड़े हुए हैं सर्विस को भी प्रॉब्लम आती है तो भी हमारा इंजीनियर हम अवेलेबल करवाते हैं। काफी जगह, सारी जगह ऐसी है जहाँ पर हमने हमारा इंजीनियर को पहुंचाया है, प्रॉब्लम सोल्व किया है, और हमारे कस्टमर को तो हम 101% देते ही हैं। एक साल की कंपनी क्लेम कर रही है जी। एक साल के बाद भी अगर इसे क्लेम खत्म होता है साल भर का, उसके बाद भी अगर आपको जरूरत लगती है, वैसे जरूरत लगती नहीं है क्योंकि हम पार्ट इतना हैवी यूज करते हैं हमारी मशीन के अंदर, जो ऐसा नहीं कि एक साल चले और खराब हो जाए, करीब आपको 5 से 10 साल तक मशीन में कुछ होने ही नहीं है, फिर भी आपको छोटे मोटे इशू आते हैं तो आपको सोल्व करने के लिए हमारे इंजीनियर अवेलेबल कराएंगे। साल भर के बाद में अगर आपको जरूरत पड़ी तो भी हमारा इंजीनियर आपके पास आएगा, कहीं और का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है।
ये हमारी कंपनी की खासियत है। ओरिजिनल ब्रांड टाटा के ऊपर हम मशीन बना रहे हैं, मशीन बिल्कुल हम ऑर्डर पर ही बनाते हैं, बनी बने नहीं रखते हैं। इसमें हमारा एक सबसे बड़ा ये कारण है कि कस्टमर को फायदा है, फायदा ये कि आके देखे किस तरह काम हो रहा है, कितना क्या यूज हो रहा है, कहीं पुराना तो यूज नहीं कर रहे, ये सब कस्टमर को दिखाना हमारा काम है। कि 50% कस्टमर तो हमारे ऐसे ही है जो आज तक यहाँ पे आए नहीं है, लेकिन मशीन उनको बराबर टाइम पे पहुंच चुकी है जी। ऑर्डर होने के बाद हम जैसे फर्स्ट डे हमारा आता है, मशीन माल कटता हुआ भी हम उनको पहुंचाते हैं कि आज माल कट गया, आप देख सकते हैं, या तो ऑन वीडियो कॉल या फिर हम व्हाट्सएप पर फोटो पहुंचा देते हैं जी जी। उसके बाद में 30 दिन की पीरियड होता है, इसमें मशीन हमारी कंप्लीट हो जाती है। 30 दिन का फीडबैक उनको बराबर दिया जाता है। कभी इशू आता है कि हम कोशिश करते हो बुलाने की जी, उसमें क्या रहता है कि वो आके देखे कि आपने इतना बड़ा इन्वेस्ट किया तो आके देखे तो सही कि किस तरह मशीन बन रही है, क्या हो रहा है, कौन सा सेंसर यूज कर रहे हैं, कौन सा माल यूज कर रहे हैं, सारी चीज हमारा बताने का काम रहता है जी। उसके बाद भी जैसे नहीं आ पाते तो डिस्पैच टाइम पे हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर आए देखे क्या माल जा रहा है क्या नहीं, सारी चीज हम बताने की कोशिश करते हैं। फिर भी नहीं आते हैं तो हम वीडियो कॉल पर दिखाते हैं कि आप माल हमने भर दिया है, ये गाड़ी नंबर है, सारी चीज आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड होती है। अच्छा, तो ये मशीन उनके पास चला गया बिल्कुल। जैसे अभी हमने वाराणसी मशीन दिया, हमारे सर आ नहीं पाए थे जी, उनका 8 ब्रिक का मशीन था जो हमने यहाँ पे दिया, उनका पेयर ब्लॉक का सेटअप भी था जी, वो भी साथ में दिया हमने, तो आ नहीं पाए थे। उनको ऑर्डर के 30 दिन बाद हमने यहाँ से मशीन ऑर्डर किया, डिस्पैच करा, बराबर ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ अवेलेबल करवाया यहाँ पे जी, और मशीन बराबर उनको पहुंचा के। अच्छा, 30 दिन जो आप बोल रहे हैं बहुत लंबा समय होता है, आखिर 30 दिन क्यों लगता है बाकी इंडस्ट्रिया तो? 30 दिन ये है कि हम बहुत बारीकी से मशीन बना रहे हैं, हड़बड़ाहट और जल्दीबाजी में ऐसा नहीं हमारा कि कुछ भी उठा के लगा दिया। काफी सारी ऐसी जगह पे आपको दिखेगा जो 10 दिन में मशीन दे रहे हैं, मेरे पास ऐसा काम नहीं है। मेरे पास काम है कि मैं आपको एक फर्स्ट डे से लेकर 30 डेज का जो पीरियड है सारी चीजें बताऊं कि क्या काम करा है, कितना टाइम और इतना टाइम क्यों लग रहा है जी। आपको बिल्कुल हैवी ड्यूटी मशीन हमारे तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा जी। अच्छा, अब बात रहेगी इंस्टॉलेशन की, उसके लिए क्या है प्रोसेस? इंस्टॉलेशन बिल्कुल हमारी तरफ से फ्री आपको जी। हाँ, कोई भी कस्टमर होता है उनको हम इंस्टॉलेशन फ्री देते हैं, हमारे इंजीनियर आएगा आपको प्रोडक्शन निकाल के दिखाएगा, आप सेटिस्फाई हो जाइए। अच्छा। उसका कोई चार्ज नहीं है कस्टमर। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, आपको इस पूरे वीडियो में हमने दिखाया है कि ये एक इंडस्ट्री है, इंदौर के अंदर सेटल्ड है, काफी लंबे समय से ये लोग काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्रीज के अंदर। जो लोग भी चाहते हैं पेवर ब्लॉक इंडस्ट्री लगाना या चाहते हैं फ्लाई ऐश इंडस्ट्री लगाकर ठीक ठाक पैसा कमाना, जो लोग ये चाहते हैं कि उनको ऑनलाइन का पेनिट्रेशन ना हो, तो लोग यहाँ से जुड़ के इनके से मशीन परचेस कर सकते हैं। जो मैंने देखा है वही आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडस्ट्री ये लगी हुई है, आप लोग अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इंडस्ट्री में आइए, इनसे मिलिए, पूरी जानकारी लीजिए, और अब जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं तभी मशीन को परचेज करिए। चाहते हैं अगर फ्लाइस इंडस्ट्री में जुड़ना, अपना व्यापार शुरू करना, इस इंडस्ट्री में जुड़ सकते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, अब सब्सिडी की बात होती है, जैसे लोग बोलते हैं कि इसमें सब्सिडी मिलता है, सब्सिडी कैसे और कितना मिलता है? वो एमएसएमई के थ्रू मिलता है जी, जिसमें आपको काफी सारी प्रोसेस रहती है। जैसे 2-3 हमारे ऐसे कस्टमर हैं इनका एमएसएमई में हुआ है जी, इनको करीब 35% सब्सिडी मिला हुआ है। आप जो भी इंडस्ट्री लगाते हैं इसके अंदर जो आपका डिस्काउंट मिलने वाला है, यानी कि जो सब्सिडी मिलने वाला है, इनके साथ जुड़ के ले सकते हैं, लेकिन उसकी पूरी डिटेल जानकारी ले लीजिएगा, सब कुछ बात कर लीजिएगा कि किंतु परंतु वाली बातें ना हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। नया इंडस्ट्री स्टार्टअप करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, आप जुड़िए, संपर्क करिए, और अगर पसंद आता है तो अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग और नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद जय हिंद।